जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उम्र अपने एक निश्चित पड़ाव पर पहुंचने लगती है, उस समय एक ऐसी आम बीमारी जो सबको परेशान करती है वह जोड़ों का दर्द है। हमारे शरीर में अलग अलग जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, और उन जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जड़ों से, इन दर्द से, इस प्रकार के दर्द से हम कैसे निजात पाएं? तो सबसे पहले आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके शरीर के सारे दर्द को, सारे जोड़ों के दर्द को वह हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देगा, यदि आपने उस तरीके से कार्य किया तो। और जैसे ही दर्द आराम होगा, आप महसूस करेंगे कि आपका, आपकी आयु जो है और बढ़ गई है और आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद, और जो आज मैं बात कर रहा हूं, जोड़ों को दर्द को ठीक करने का जो उपाय है वो क्या है। हम बहुत महंगी दवाइयां खाते हैं, कई बार ट्रांसप्लांट का भी की नौबत आ जाती है, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबके पहुंच से बाहर होता है। पैसे अधिक लगते हैं, लंबा वक्त भी लग जाता है, हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वह हर एक व्यक्ति कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। उसे न तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और ना ही बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता है, और ना तो ऑपरेशन की आवश्यकता है। करना क्या है, अगर आपको आपका दर्द जो है काफी दिनों से बना हुआ है वो ठीक नहीं हो पा रहा, आपने अंग्रेजी दवाइयां भी खाई, सब कुछ खाया, जब तक दर्द का दवा का असर होता है तो आपके दर्द में कुछ राहत मिलती है, जैसे ही दवा का असर खत्म होता है तो फिर आपको दर्द महसूस होने लगता है। तो इस परिस्थिति में अब आपको जो करना है उसे ध्यान से समझिए, क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, आपकी यह दवा आपके घर में उपलब्ध है। आपको लहसुन और अजवाइन दो ऐसी चीजें हैं जिनकी चाय पीनी है। चाय का मतलब ये नहीं कि अब उसमें आपको चाय पत्ती नहीं डालना है, यानी आप साथ पानी को लेकर के और कम से कम 10 मिनट तक उस पानी को उबालें, और उबालने में उसमें एक चम्मच आप अजवाइन डाल दें और उसमें 5-7 कलियां जो है लहसुन का डाल दें और उसे छान लें। छानने के बाद से उन कलियों को उसमें से फिर दोबारा उस पानी में आप डाल दें, हल्का सा काला नमक लें और हल्का सा उसमें नींबू निचोड़ें और उसे प्रतिदिन सुबह खाली पेट आप पिए। आप जैसे ही इस चीज को करना शुरू करेंगे, यह लहसुन और अजवाइन की चाय पीना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का दर्द समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा शरीर में जो भी टॉक्सिटी है, जो भी जहरीले तत्व है, वह इस प्रक्रिया से बाहर निकल जाए। बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। आयुर्वेद ने इसे जो हम कहते हैं ना, टॉक्सिटी को नाश करना, समाप्त करना, यानी जहर को खत्म करना और स्वस्थ करना कहा गया है। तो यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि एक सप्ताह के अंदर आपके दर्द में बहुत राहत महसूस होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लहसुन में औषधि गुण पाए जाते हैं, उसका अर्क भी मिल जाता है। चाय पीने के साथ साथ उबला हुआ जो लहसुन है उसे भी आप खा जाएं, जिससे पेट की समस्या से भी निजात मिलेगा। पेट में अगर गैस बनता है, प्रॉब्लम्स होती है, उससे भी निजात मिलेगा। डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा, बीपी आपका क्योर होगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा और साथ साथ आपके जोड़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है, बट लोग जो है इसे करना पसंद नहीं करते हैं। जब आप इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं और अच्छी स्थिति में आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप जरूर एक बार इसे ट्राई करिए और देखिए।